गांव में ईडी की तरफ से आज रेड यानी छापेमार कार्रवाई की गई है। राइस मिल व्यापारी के घर पर यह छापा पड़ा है। अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर यह टीम पहुंची थी और यहां पर सुबह से जो कार्रवाई शुरू हुई अभी भी जारी है। बसंतपुर थाने के अनुपम नगर में ये छापे की कार्रवाई सामने आई। उधर कोरबा में महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई। 6 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर कोरबा से सामने आई, जहां पर एक महिला की अस्मत लूटने की वारदात हुई है। गैंगरेप किया गया महिला के साथ और 6 लोग इस वारदात को अंजाम देने वाले बताए गए। सभी 6 आरोपी इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब्दुल असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं पूरी वारदात के बारे में। अब्दुल, क्या जानकारी? बता दें कि ये एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर ये महिला जो है घर में अकेली थी। उस वक्त ये 6 जो आरोपी हैं ये अकेले होने का फायदा उठाते हुए उनके घर में घुसकर इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस इसमें मुस्तैदी दिखाते हुए 6 आरोपी को उसने गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश कर कोर्ट भेज दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अंबिकापुर में सरकारी जमीन और नजूल की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम और राजस्व विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आज गंगापुर में प्रशासन का बुलडोजर चला और मेडिकल कॉलेज की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया गया। करीब आधा दर्जन से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई की गई। निगम कमिश्नर ने बताया कि गंगापुर इलाके में मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, इस पर कार्रवाई की गई है। नाले की जमीन में अतिक्रमण किया गया था और यहाँ पे निवासरत कोई भी नहीं था, कि सिर्फ कब्जा करने के उद्देश्य से यहाँ पे किसको बनाया गया था, किसको निगम के टीम और राजस्व की टीम के द्वारा आज यहां पर 3 मकानों में कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर से खबर, 13 साल की पहाड़ी कोरबा बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया। बच्ची अपनी सहेलियों के साथ शादी देखने गई और दूसरे गांव से आए युवकों ने बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है बच्ची जब शादी से वापस घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने बच्ची को बाइक पर बैठाया और 2 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को छोड़कर फरार हो गए। वारदात के 2 दिन तक बच्ची ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर बाद में परिजनों को खबर की, परिजन थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। इस 24 धारा 341 363 366 376 DA और पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी है। इसमें 4 आरोपी हैं, जो 2 नाबालिग हैं और 2 बालिक हैं। बालिक का जो नाम है वो क्रिसमस टोप्पो, ग्राम कोरिमा का रहने वाला, थाना कोतवाली क्षेत्र का, उम्र 20 साल है। और एक आकाश टोप्पो है जो कि ग्राम रामनगर, उम्र 21 साल है, थाना कोतवाली का रहने वाला है। इस प्रकरण में जो 4 आरोपी थे, इन पूरे आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके इसमें रिमांड में भेजा जा रहा है। सरगुजा में सरकारी नौकरी मिलते ही पति को छोड़ने वाली पत्नी का मामला सुर्खियों में आ गया। मामले में सरकारी नौकरी कर रही पति ने न्यूज 18 से बात की और सफाई देते हुए बताया कि पति उसे पीटता था और बेटी को जबरन उसने रख लिया था। वहीं नौकरी भी सही होना बताया। इधर सुलोचनी के समर्थन में जल संसाधन विभाग सूरजपुर के कर्मचारी नजर आए। बताएं कि सरगुजा के लखनपुर के तराजू गांव के रहने वाले दीपक रजवाड़े ने पत्नी सुलोचनी रजवाड़े पर आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी अपने पति और बच्ची को छोड़कर चली गई, वह अब वापस आने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी ने हलफनामे में खुद को कुंवारी बताकर माँ की अनुकंपा नियुक्ति ली है। 2022 पदस्थ हूँ मैं, बदली नहीं हूँ। वो मेरे को लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, इसलिए मैं यहाँ रूम लेके भी रहती थी, यहाँ भी मारपीट करते थे। फिर वो छोड़ के चले गए, बच्ची को लेके आती थी मैं ऑफिस में। सब लोग जानते हैं साहब लेके पीउन तक कि बच्ची को लेके आती थी। वो निकम्मा तो है ही हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं थे, खाली पी के आते थे, मारपीट करते थे और मैं मायके से अभी अप डाउन करती थी।
एनएमडीसी के खिलाफ भूख हड़ताल में बैठे भू प्रभावित किसानों के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और बस्तर सांसद महेश कश्यप आ गए। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे किसानों की मांगों को जायज बताया और जल्द 5 से 7 सदस्यों की टीम बनाकर एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा की बात कही। बस्तर सांसद ने कहा कि एनएमडीसी प्लांट में पहला हक स्थानीय ग्रामीणों का है, किसी भी हाल में एनएमडीसी प्रबंधन को ये बात माननी पड़ेगी, हक तो देना पड़ेगा। हड़ताल चल रहा है और उसमें जिला प्रशासन के तरफ से कलेक्टर साहब और एनएमडीसी के साथ आंदोलन में हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ बैठक भी हो चुका है और उसमें सहमति बन गया था कि हम बाहर में लॉन्च करेंगे, लेकिन वहां जाने से पता चला, बता रहे हैं एनएमडीसी के अधिकारियों के द्वारा, एक दो बातों में सहमति हुआ, बाकी तो गोल मोटर ऐसा जवाब दिया गया, ऐसा उनका कहना है। बहुत जल्दी एक 5 से 7 सदस्य डेलीगेशन लेकर उनके जो स्थानीय विषय है और जिस पर की चर्चा होनी चाहिए हम लोग बात करेंगे। रायपुर के अभनपुर से खबर है जहां पर रेत खदान में चेन माउंटेन मशीन में दबने से मजदूर की मौत हो गई। रात के अंधेरे में रेत माफिया खनन कर रहे थे, रास्ता बना रहे मजदूर चेन माउंटेन मशीन के नीचे दब गए, एक मजदूर की जान चली गई। बताएं कि प्रदेश में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं और यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लड़का है और मामला जो है ना तो पारा गाँव खदारेती खदान के अवैध रेती में रात कर वो कल 2 बार लेके लाने हैं। हाँ। और रात कर लेके वो लड़का ना हाँ। साजिश के तहत मारा गया है, मेरा अनुमान वही कहता है। हाँ। डायरेक्टर शोट का रहने वाला है जो कि रेत घाट पारा गांव में गया हुआ था, जिस उनके परिजनों को बुला करके पीएम की कार्रवाई करवाया गया है और उसमें अभी मर्ग कायम करके जांच कार्रवाई में लिया। बिलासपुर से खबर, रेत माफिया के हौसले यहां भी बुलंद हैं, रोक के बावजूद अवैध खनन चल रहा है। खनिज विभाग ने छापा मारते हुए 7 हाईवा समेत 13 अवैध गाड़ियां जब्त की, गाड़ियों के मालिकों पर मामला भी दर्ज किया गया। कांकेर में भी रेत माफिया के हौसले बुलंद हो चले हैं। यहां पर चारामा के माहूद में रात के अंधेरे में रेत खनन धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि विधायक ने मौके पर जाकर पहले छापा भी मारा था और 2 चेन माउंटेन मशीनें भी जब्त की गई थी, लेकिन फिर भी रेत माफिया पर इसका कोई असर नहीं हो रहा और वे लगातार रेत खनन कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल ये इस तरह का माफिया लोग अगर कुछ काम करे तो उसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, जैसे पहले ही उसमें बंद था उसी तरह से ही वो बंद रहेगा। जो नियम में है नियम से ही चल रही है, उतने ही रेत खदान, क्योंकि रेत की थोड़ी आवश्यकता डेवलपमेंट वर्क को लगती है, उतने ही चलेंगे, बाकी सब बिल्कुल 100% बंद रहेगा। सर वहां जा रहा है, वहां पे जा रहा है, नहीं गलत है, वो उसको कार्रवाई करेंगे। नहीं बिल्कुल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि एसडीएम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कलेक्टर कह रहे हैं कि कार्रवाई करवा लेंगे, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि एसडीएम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अगर ये शिकायत सामने आई है तो। खबर गरियाबंद से, जहां पर भीषण गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने रैली निकालकर पानी के लिए प्रदर्शन किया और सरपंच सचिव पर पानी बेचने के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि ग्रामीण पानी के लिए कलेक्टर तक से गुहार लगा चुके हैं। ग्राम खट्टी के ग्रामीण देखिए यहाँ पर पानी की मांग कर रहे हैं। ये जो ग्राम है ये पांडुका क्षेत्र का ग्राम खट्टी है, जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। सुबह 5 बजे से ये इसी तरह लाइन पर खड़े रहते हैं और पानी के लिए कलेक्टर से भी गुहार ये लगाए हैं। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। आपके गाँव में पानी की क्या समस्या है? बहुत समस्या है पानी का, हम लोग 1 किलोमीटर से बहुत दूर से चल कर आ रहे हैं। हाँ आप बोलते हैं अधिकारी के पास गए? हाँ हम लोकल कलेक्टर के पास गए थे तो कुछ नहीं बोला अभी तो। तब कहाँ से लाते हो भाई पानी? पानी हमारे नातरमरा से लानते हैं। कितना दूर है वो? 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, पानी पानी बूंद बूंद पानी नहीं है गाँव में? नहीं नहीं। अच्छा सरपंच बोर खुदवाया ना? सरपंच बोर खुदवाए है, वहाँ धान बोकर दूसरा बेच दे, पानी बेच दे। तो गाँव में पानी अभी नहीं है? नहीं है।
कितने परेशानी होते हैं यहाँ तक? बहुत परेशानी होते भैया, बता नहीं सकन हमन हा पाइप आ रही से जो लाइन। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करोगे आप लोग? जी बताइए क्या करेंगे? विधायक कर जाएंगे। हाँ तैयारी है। हाँ इतनी समस्या? हाँ हम लोग पानी देखिए कि पानी की समस्या कितना ज्यादा है। बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। कलेक्टर के पास ये गुहार लगाने तक चले गए कि इनके गांव में बूंद भर पानी नहीं है। जो बोर खुदाया गया है सरकारी बोर, वह भी सरपंच ने किसी को लीज पर दे दिया गया है, यानी पानी को बेच दिया गया है। नाराज ग्रामीण अब देखिए कि मेरे पीछे तमाम यहाँ पर ग्रामीण है जो इस वक्त हाथों में बर्तन लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और पानी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर इनकी मांगों को सुना नहीं जाता तो ये आंदोलन तक भी कर देंगे। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। बलरामपुर में भीषण गर्मी।